स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल DTH Talks Meme में। आपका अपना दोस्त हर्ष डीडी फ्रिज ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं डीडी फ्रिज स्पेशल 12 न्यू अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है 10 नई खबरों के साथ दो नई बोनस अपडेट्स भी। तो वीडियो काफी ज्यादा कमाल की रहेगी और रोमांचक रहेगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक बन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह, अगर आपको चाहिए ऑल डीटीएच की ऑल न्यू अपडेट सबसे पहले, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट ना कि क्वांटिटी कंटेंट। कैसे आज की हमारी सबसे पहली अपडेट डाक्यू की तरफ से आई है, जिस पर आपको एक नया सीरियल मुझे मेरी फैमिली से बचाओ हर रात 8:30 बजे दिखाया जा रहा है। दूसरी अपडेट दंगल टीवी के अपकमिंग शो पलकों की छाव में सीजन 2 के मेन लीड्स को लेकर आई है, जिनकी फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिनको आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात हो रही है दंगल टीवी की, तो तीसरी अपडेट भी दंगल टीवी के ही अपकमिंग शो जन्म जन्म के मेन लीड्स को लेकर है, तो वो भी आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल ये दो नए सीरियल्स हैं जो कि आने वाले टाइम में दंगल टीवी शुरू करने जा रहा है, और दोनों ही ओरिजिनल सीरियल्स हैं। चौथी अपडेट दंगल 2 की तरफ से आई है, जिस पर आपको द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अब से हर शाम 6 बजे दिखाया जा रहा है दंगल 2 पर। हमारी पांचवी अपडेट जी गंगा की तरफ से है, जिसने पूरे कर लिए हैं अपने 1 साल। यस गाइस, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाइस जी गंगा ने अपनी काफी अहम रोल निभाया है, क्योंकि गाइस इस चैनल ने आते ही टीआरपी को ब्रेक किया और ये नंबर 1 पर भी गा, इसलिए कहा गया है 1 साल बेमिसाल जी गंगा के लिए। छठी अपडेट गाइस हमारी सी बैंड और कू बैंड सैटेलाइट्स के एक सेटअप को लेकर है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों जो लोग भी सैटेलाइट चैनल्स को ऐड करना चाहते हैं, उनके पास अगर इस प्रकार का सेटअप रहता है तो वो काफ़ी अच्छी बात रहती है, क्योंकि कुछ चैनल्स गाइस कू बैंड के सैटेलाइट पर चलते हैं, यानी कि कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि आपके जो 3 से 4 फीट की डिश एंटीना आती है उसी पर ट्रैक हो जाते हैं, परंतु जो अधिकतर चैनल्स हैं उनके लिए 5 से 6 फीट की डिश एंटीना चाहिए होती है। तो आपके पास अगर इस टाइप का सेटअप रहता है तो आप इजिली सैटेलाइट चैनल्स को ऐड कर सकते हैं। वहीं पर बात करें गाइस हम अपनी 7वीं अपडेट की, तो वो हमारी सैटेलाइट अपडेट है, जहाँ पर एक नए चैनल को शुरुआत किया गया है। बात करें चैनल के नाम की, तो वह है नॉन्दितो टीवी, जिसकी जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह है वो अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 11629 वर्टिकल 2599। बाकी सेटिंग्स हमने आपके सामने पेश कर दी है। इन सेटिंग की हेल्प से अगर आपके पास 6 फीट का डिश एंटीना है तो आप इजीली इस चैनल को भी ट्रैक कर सकते हैं। वैसे ये बंगाली लैंग्वेज का चैनल है, तो जो लोग भी इस लैंग्वेज को जानते हैं वो कोशिश कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको अपडेट देना। 8वीं अपडेट गाइस गोल्डमैन की तरफ से आई है, और ये काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, गोल्डमैन स्टार्ट कर चुका है अब अगेन बॉलीवुड मूवीज को टेलीकास्ट करना। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आज के दिन ये देखने को मिल रहा है कि गोल्डमैन आपको जी सिनेमा की प्रीमियर मूवी द पावर 10:30 बजे देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ और लेटेस्ट मूवी हमें गोल्डमैन पर ही देखने को मिल जाए। 9वीं अपडेट सोनी वाह को लेकर, जिस पर WWE संडे धमाल आज शाम 5:45 से लेकर 8:00 बजे तक दिखाया जाने वाला है। और 10वीं अपडेट मनोरंजन टीवी की तरफ से आई है, जिस पर आपको हंगामा टीवी का मोस्ट पॉपुलर कार्टून शो चाचा भतीजा मूवीज देखने को मिलने वाली है। अब से पहले इस पर केवल एपिसोड्स को टेलीकास्ट किया जाता था, लेकिन अब मनोरंजन टीवी मूवीज को भी टेलीकास्ट करना शुरू कर चुका है। तो जो लोग भी कार्टून शोज देखना पसंद है, एक बार इस चैनल को जरूर चेकआउट कर लीजिए। अब बात करते हैं बोनस अपडेट की, जहाँ पर हमारी सबसे पहली अपडेट एक ऐसे चैनल को लेकर है जिसने अपने कंटेंट में काफी बड़ा बदलाव किया है, और आप कह सकते हैं कि ये चैनल अब एक हमें नए कंटेंट के साथ देखने को मिल रहा है कुछ समय के लिए। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन ग्रैंड के टाइमिंग शेड्यूल की बात करें तो इस पर अब आपको मॉर्निंग के टाइम में भोजपुरी कंटेंट दिखाया जा रहा है, और बाकी टाइम में आपको इस पर नॉर्मल एनिमेशन के साथ कॉमेडी शोज देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप एक और भोजपुरी चैनल को देखना चाहते हैं तो आप सुबह 1 बजे से लेकर 6 बजे तक मनोरंजन ग्रैंड को एक भोजपुरी चैनल के रूप में चेकआउट कर सकते हैं। उस टाइम पर इस पर भोजपुरी मूवीज टेलीकास्ट हो रही हैं। और आज की अंतिम अपडेट KGF चैप्टर 2 मूवी को लेकर है, जिसकी होने जा रही है काफ़ी बड़ी वर्ल्ड टेलीविजन रिलीज। जी हाँ दोस्तों, 18 सितंबर के दिन इस मूवी को टीवी पर पहली बार सोनी मैक्स पर लाया गया, परंतु एक और बार इस मूवी को 25 सितंबर के दिन सोनी नेटवर्क के मेजर जो चैनल्स हैं उन पर टेलीकास्ट किया जा रहा है, सिवाय सोनी वाह के। इस अपडेट को इसलिए कवर करना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों काफ़ी यूट्यूबर्स ये खबरें फैला रहे हैं कि ये मूवी सोनी वाह पर भी आएगी 25 तारीख को 2:12 बजे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सोनी वाह के अलावा जो सोनी पल चैनल है, इसके अलावा जो सोनी शेड चैनल है, इन सब पर टेलीकास्ट होने वाली है।
जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर भी चेकआउट कर ले सकते हैं। चिंता मत कीजिए, आने वाले टाइम में यानी करीब 6-7 महीने बाद इसको सोनी वाह पर भी लाया जाएगा, वाह पर पहली बार के अंतर्गत। फिलहाल यही अपडेट्स आई थी इस वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।